हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धि ब्लॉग्स। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड कीपिंग योरसेल्फ हेल्दी। आज ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ, इसके बेसिकली दो रीज़न है। फर्स्ट, दिस एक्सपेरिमेंट इज़ फैंटास्टिक जो मैं अपनी इस वीडियो में इंक्लूड करने वाली हूँ। दिस इज़ नॉट माई एक्सपेरिमेंट, आई हैव सीन इट ऑनलाइन। और आपको मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगी कि आपके घर में अगर जो भी छोटे बच्चे हैं या और लोग भी हैं, इट्स वेरी गुड टू सी समथिंग हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज़। जब आप देखते हैं कि सोप कैसे रिएक्ट करता है वायरस पे, तो वो बात आपको रिटेन कर जाती है दिमाग में, एक बात रजिस्टर हो जाती है कि कैसे यू नो सोप मार देता होगा वायरस को जो भी हमारे हाथ पे हैं। सेकेंड रीज़न ये है कि आई बिन हियरिंग इन न्यूज़, पर्टिकुलरली इंडियन गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू री ओपन द स्कूल फ्रॉम आई थिंक 30th June। इसीलिए एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली फ्रॉम द एज ग्रुप 3+ to 10, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो। देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने एक प्लेट में, जो कि थोड़ी सी ब्रॉड है, थोड़ी सी बड़ी है, उसमें प्लेन वाटर ले लिया है, नॉर्मल टैप वाटर जिसमें कुछ भी मिक्स्ड नहीं है। फिर मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर लिया है फाइनली क्रश्ड, एक कटोरी में नॉर्मल पानी, ये भी टैप वाटर है, इसमें कुछ भी मिक्स्ड नहीं है। और ये मैंने थोड़ा सा लिया है लिक्विड हैंड वॉश, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल सोप भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आप स्टार्ट करने से पहले अगर आप बच्चों के सामने शेयर कर रहे हैं तो उनको बोलिएगा कि ब्लैक पेपर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वायरस को। अब हमने वो ब्लैक पेपर को देखिए पानी में डाल दिया है, जिससे कि वो उसके ऊपर सरफेस में है। अब मैंने जो कटोरी में प्लेन वाटर था उसमें मैं अपनी फिंगर डिप करूँगी, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन वाटर से हाथ धोना। और ये देखिए, जब हम प्लेन वाटर से हाथ धोते हैं तो वायरस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो फिंगर के काफ़ी पास है अभी भी, देखिए बहुत ज़्यादा दूरी उसमें से नहीं आई है। तो यानी प्लेन वाटर से वायरस पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं लूँगी हैंड वॉश या लिक्विड हैंड वॉश या सोप, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसमें मैं फिंगर डिप करूँगी। और ये देखिए, देखिए वायरस कितना पीछे मूव हो गया, इसे देखिए क्लियरली पता लगता है। जब भी हम अपने हाथ धोते हैं, अगर हम सोप या हैंड वॉश यूज़ करते हैं तो ही हमारे हाथ से चांसेस हैं वायरस के जाने के। अगर हम प्लेन वाटर से धो रहे हैं हाथ तो बहुत कम चांसेस हैं कि हमारे हाथ से वायरस जाए। ये देखिए, मैं एक बार फिर इसको स्लो मोशन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिंगर को मैंने हैंड वॉश में डिप किया एंड अगेन इट गोज़ इन टू द वाटर। और ये देखिए, वायरस एकदम पीछे पुल हो गया। ये एक्सपेरिमेंट किसी भी बच्चे के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, या जिसको भी आप अवेयर करना चाहते हैं उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यकीन मानिए, इसको देखने के बाद आप भी इसको ट्राई करे बगैर रुकेंगे नहीं। बच्चों के साथ स्पेशली ज़रूर इसको कीजिएगा घर में, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार इसको किया तो वो इसको हमेशा के लिए याद रखने वाले हैं। मेरा स्कूल किड्स के ऊपर एम्फेसिस करने का पर्पज़ ये भी है, क्योंकि मैंने कल ही एक न्यूज़ पढ़ी है कि इज़राइल में प्राइमरी किड्स जो हैं उनका स्कूल रीओपन किया गया था और 24 आवर्स के अंदर 116 केसेस जो हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव टेस्ट हुए। अभी का स्टेटस अगर मैं आपसे शेयर करूँ वहाँ का, तो वहाँ ऑलरेडी 7,000 टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को क्वारंटीन कर लिया गया है। छोटे बच्चे पर्टिकुलरली उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जिनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन खुद मेंटेन करना घर से बाहर जाके बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट उनके लिए खासकर इम्पॉर्टेंट है उनके सामने किए जाना, ताकि इसकी इम्पॉर्टेंस उन्हें पता लगे। हमें बच्चों को बहुत ट्रेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर आने वाला एनवायरनमेंट ऐसे ही होने वाला है जहाँ पे उनको खुद ही सारे प्रिवेंटिव मेजर्स एंड प्रिकॉशंस लेने हैं। बाहर जाने से पहले हम बच्चे को गाइड करते हैं कि आपको रोड्स के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, एक्सीडेंट्स के बारे में, क्रॉस नहीं करनी है रोड, यू नो, क्योंकि पॉसिबली कार आ सकती है, ट्रक आ सकता है, तो जब मूविंग व्हीकल सामने आता है तो हमें रोड क्रॉस नहीं करनी है। इसी तरह से हमको अपने बच्चों को ट्रेन करना है कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, अगर आप मान लीजिए स्कूल जा रहे हैं, तो आपको इस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा हो। आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ 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 शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। अगर आप टीचर हैं तो अपने फेलो टीचर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।